वेलकम अंजुम के किचन में, वेलकम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ खाना बनाना चाहते हैं तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब दोस्तों, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार सी डाइट रेसिपी, जो कि है चिकन तंदूरी। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैकेट वाला मसाला, ताकि जल्दी से जो डाइट वाले लोग हैं उनके लिए चिकन तंदूरी झटपट बन के तैयार हो जाए जब वो थके हुए जिम से भाग कर आते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन तंदूरी, वो भी डाइट रेसिपी में। यहाँ दोस्तों हमने चिकन ब्रेस्ट ले लिया है, देखिए उसके हमने इस तरीके से क्यूब कट कर लिए हैं। तो ये हमारे जो चिकन ब्रेस्ट, तीन ब्रेस्ट थे चिकन ब्रेस्ट के, वो ले लिया है। अब आपके हिसाब में कि आपको दिन भर का मील इसमें बनाना है तो आप अपने अपने पोर्शन इसमें ले लें, 100-100 ग्राम कर लें, आप जैसा भी करना है आपको उस तरीके से कर लें, तो आपको दिन भर का यहाँ पे हो जाएगा मील रेडी। तो चलिए इसे हमने कट कर लिया। अब जल्दी से ले लेते हैं हम अपना एक अच्छा सा बाउल, इसमें हमने डाल दिया है दही। दही डाला है हमने इसमें, एक प्याज को कट करके डाला है और चॉप करके बारीक एक टमाटर को डाला है, और ये वाला रेडीमेड पैकेट वाला मसाला है बारबेक्यू चिकन तंदूरी मिक्स, बहुत मज़ेदार सा होता है, कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पहले 1 टेबल स्पून हमने डाला है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, और थोड़ा सा तेज़ बनाने के लिए 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, वैसे अगर आप कुछ ना भी डालें तो ये काफ़ी है। तो चलिए इसे अच्छे से एक मिक्स देते हैं जल्दी से, और जैसा कि आप जानते हैं चिकन ब्रेस्ट तो फटाफट बन जाता है। तो बस अब इसमें डाल देते हैं हम ऑयल। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ऑलिव ऑयल, जो कि हम यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। एकदम हेल्दी वाली रेसिपी रेडी हो रही है, बाद में डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल चला गया, जैसा कि आप सब जानते हैं और हम हमेशा आपको बताते हैं कि डाइट रेसिपी में आप 4 चीज़ों का जो ऑयल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, दूसरा कोकोनट ऑयल, तीसरा बटर, और चौथा असली घी। इन सब चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाइट रेसिपी में। तो चलिए ये हो गया, अब इसमें डाल देते हैं हम चिकन। तो ये सारे हमारे चिकन इसमें चले गए, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम नमक, जो मसाला लिया था रेडीमेड मसाला उसमें नमक होता है, इसलिए आप देख के डालें। हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब डाल रहे हैं, आप एक बार चक्के से टेस्ट कर लें। तो इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स और छोड़ देंगे इसे 10-15 मिनट के लिए, अगर आपके पास वक्त है तो। अगर आपके पास वक्त नहीं है, अभी अभी आप एक्सरसाइज करके आए हैं और जल्दी खाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से रखिए फ्राई पैन और इसे आप बस तवे पे डाल दीजिए, रेडी हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारे पास वक्त है अभी, तो हम इसे 10-15 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल भी मैरिनेट होके तैयार है, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट जल्दी से बन जाता है। हमने यहाँ पे ले लिया है, देखिए काड़ियाँ स्क्यूअर्स ले लिया है हमने, और इसमें हमने ऐसे पुरा दिया है। आपकी मर्जी है, आपके पास वक्त है तो आप इस तरीके का काम करिए, और नहीं तो ये बिल्कुल रेडी है। फ्राई पैन उठाइए, इसको डालिए और सौटे करिए, ये तैयार है। तो चलिए हम तो फिलहाल अभी इस तरीके से थोड़ा सा इसे और खूबसूरत बना दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप पुरा लीजिए और पुरा के अपना फ्राई पैन पे इसे डालते जाइएगा। तो हम सारे अपनी ये जो काड़ियाँ हैं ये तैयार कर लेते हैं, और फिर हम आपको बताते हैं अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन आप इसको डिफ़िकल्ट बिल्कुल मत समझिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको इस तरीके से डालना है तो आप डालें, और अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे फ्राई पैन पे बस सौटे कर लीजिए 5 मिनट के लिए, तो आपका ये चिकन तंदूरी मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, हमने इसे तैयार कर लिया, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, हमने गैस को ऑन कर दिया और उस पर हमने प्यारे से अपने फ्राई पैन को रख दिया है। वैसे इसमें आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैरिनेट किया था तो हम लोगों ने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाला था, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि नॉन स्टिक तवा है ये और ख़राब ना हो जाए, इसलिए बराए ना ऑलिव ऑयल हम थोड़ा सा डाल देते हैं इस पर, इस तरीके से ये हमने डाल दिया, इसे फैला देते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसे थोड़ा सा फैला दिया, वैसे तो नॉन स्टिक है ये तवा, लेकिन फिर भी एहतियातन। बस अब इस पर हम प्लेस कर देंगे ये प्यारे प्यारे सी हमारी काड़ियों को, प्यारे प्यारे सी स्क्यूअर्स को,
तो बस इसे अच्छे तरीके से एक तरफ से गोल्डन होने देंगे। जब ये हो जाएगा तो इसके साइड चेंज कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसको हम पलट देंगे। वाओ माशाल्लाह कितने अच्छे से हो गया है, देखिए कितना आसान है। और अगर आपके पास ये करने का भी मूड नहीं है, बहुत हार्ड लेग्स वगैरह मार के आए हैं, तो बस इसको तवे पे डालिए और सॉटे कर लीजिए। ऑलरेडी चिकन ब्रेस्ट है और मैरिनेट किया हुआ है। चलिए उस साइड से भी इसे फिर से कर लेते हैं थोड़ा सा 5 मिनट और स्टीम दे देते हैं। और फिर आपकी मर्जी, आप इसे चपाती के साथ खाइए, रूखा सलाद के साथ खाइए या चावल के साथ खाइए। तो ये देखिए दोस्तों, तैयार हो गया है हमारा चिकन तंदूरी, वो भी रेडीमेड जो पैकेट आता है उसके साथ। और हम इसे अभी सर्व करने के लिए प्लेट वगैरह में नहीं निकाल रहे हैं, जैसे होटल्स में सर्व किया जाता है ना सिज़र को, बस हम इसी तरीके से फ्राई पैन को लेके चले जाएंगे डाइनिंग टेबल पर, ताकि हमारे बेटे साहब इसका गर्मा गर्म मज़ा ले सकें और फिर वो कहेंगे मॉम वाओ क्या बनाया है आपने। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत आसान तरीका है, डाइट रेसिपी आपकी झटपट तैयार हो गई है। और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjum.kitchen पे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों मज़ेदार सी झटपट बनने वाली हेल्दी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। खुदा हाफिज़।